Okay students, exercise 2.6, page number 39, question 5, solved by synthetic division. और 1 एंड 3 रूट्स दिए हुए हैं ऑफ द इक्वेशन और इक्वेशन भी ऑलरेडी गिवन है x4 माइनस 10 एक्स के प्लस 9 की फॉर्म में लिखा हुआ है. तो सबसे पहले ये ऑलरेडी रूट्स गिवन का मतलब है कि हमें a की वैल्यूज़ गिवन है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था. तो हमें सबसे पहले इसी इक्वेशन को इस रूट से डिवाइड करना है. ये जो इक्वेशन है x4 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसे 1 लिखूंगा, x4 की जगह इसका नंबर लिखना होता है. आगे एक्स स्क्वायर क्यूब नहीं है, हालांकि सीक्वेंस में क्यूब होना चाहिए था, उसकी जगह आप यहाँ पे 0 को पुट करेंगे. उसके बाद एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर है और उसके साथ नंबर है -10, तो आप यहाँ पे -10 लिख देंगे. फिर उसके बाद एक्स होना चाहिए था, ऑफ कोर्स नहीं है, तो आप उसकी जगह 0 लिखेंगे. और 9 नंबर है कांस्टेंट, ये आप एज इट इज़ लिख लेंगे. तो सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं. आपको मैंने बताया था ये जो फर्स्ट रूट है ना 1 लिखा हुआ था, और फर्स्ट 1 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. एक लाइन लगाएंगे और ऑफ कोर्स इस 1 को नीचे लेकर आएंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 आप यहाँ पे पुट करेंगे, 0 प्लस 1 1 आंसर आएगा. फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 आ जाएगा. -10 प्लस 1 इक्वल्स टू -9, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -9 आ जाएगा. इन दोनों को ऐड करें तो -9 हो जाएगा. -9 को आपने अगेन 1 से मल्टीप्लाई करना है, ऑफ कोर्स -9 होगा. 9 -9 कैंसिल होकर आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया. हमारी जो इक्वेशन इन डिप्रेस्ड फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म आई है हमारी, हम इसे डिप्रेस्ड फॉर्म कहते हैं. इक्वेशन इन आप लिखेंगे डिप्रेस्ड फॉर्म, ये सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम लिखते होते हैं. तो आपने इसकी इक्वेशन बना लेनी है. जैसे मैंने मेथड बताया था, ये आपका कांस्टेंट नंबर है, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम इसे लिखेंगे -9. फिर मैंने आपको बताया ये एक्स की फॉर्म में, इसको एक एक वेरिएबल से आप आगे लगाते जाते हैं. अगला वेरिएबल एक्स के बाद एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर 1 को आप एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास डिप्रेस्ड फॉर्म आ गई है इस इक्वेशन की. अब हमें ये जो इक्वेशन फॉर्म है इसको आपको अगेन डिवाइड करना है, और इस दफ़ा दूसरा रूट यूज़ करना है. इस दफ़ा दो रूट थे ना, तो इसकी हम डिप्रेस्ड फॉर्म को भी आप डिवाइड करेंगे जैसे बिल्कुल सेम इसी मेथड से. अब एक्स क्यूब की फॉर्म में आ गया, तो एक्स क्यूब के साथ नंबर 1 है, फिर एक्स स्क्वायर का नंबर 1 है, फिर उसके बाद एक्स का नंबर है, और एक्स का नंबर हमारे पास -9 है, ऑफ कोर्स आप वो लिख लेंगे. फिर उसके बाद कांस्टेंट नंबर -9 है, वो आप लिखेंगे. और अब हमारा रूट जो है वो 3 होगा. 1 तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो 3 मैं यहाँ पे लिखता हूँ. डिवीजन स्टार्ट करता हूँ, 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 टाइम 3, 3 और 1 को ऐड कर लें तो 4, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा. 12 आपने अगले नंबर के नीचे लिखना होता है, -9 प्लस 12 इक्वल्स टू +3. फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लाइन आपने लाजमी लगानी होती है रिमाइंडर से पहले या आखिरी वैल्यू से पहले, दैट विल बी इक्वल्स टू +9. -9 +9 कैंसिल, अगेन रिमाइंडर हमारा 0 आ गया. अब हमारी एक्चुअल जो फॉर्म आई है इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. ये एक्स हो गया, ये कांस्टेंट नंबर हो गया, और ये एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी फॉर्म आ गई है. नेक्स्ट हम स्टेप हमें क्या करना है, इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है और इसके हमने फर्दर रूट्स फाइंड करने. तो मैं अभी इसकी मिड टर्म ब्रेक करके आपको दिखाता हूँ कि हम क्या आंसर लेकर आते हैं. तो ये स्टूडेंट्स मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक की है, और इसकी मिड टर्म ब्रेक में मेरा आंसर एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स -3 आए. तो मेरे कंप्लीट रूट्स, ये भी इसी के रूट्स हैं, इन्हीं इक्वेशंस के रूट्स हैं. तो एक क्वेश्चन में थे 1 और 3, और 2 मेरे मैं खुद लेकर आया हूँ मिड टर्म ब्रेक से, -1 एंड -3. तो ये मेरे आंसर हैं, इनको आप नोट कर लें और बुक से भी मैच कर लीजिएगा कि आप बुक में भी यही आंसर्स हैं. और अगर यही हैं तो फिर आपने पार्ट नंबर 2 इसी तरह होमवर्क में करके मुझे दिखाना होगा.